चाइना अपनी सिप भेज के यहाँ पता कराता है कि कोई खनिज तो नहीं है। अगर कोई खनिज मिल गया, सपोज कि यहाँ मिल गया, तो भारत से पहले ये किसको बता देगा? सोमालिया को। हम भारत वाले लोग कब सुने कि हम लोग इधर जाके कुछ तड़ाम भड़ाम किए हैं? इस वजह श्रीलंका चलाता है कोई नहीं। जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए अमेरिका परमाणु बम मारने के लिए आया होगा, उस प्रधानमंत्री पे कितना प्रेशर होगा आप सोच समझिए। चाइना घुस आ गया यूएनओ पे, कहा कि दुनिया में जितना महासागर है सबका नाम अलग अलग है, कोई प्रशांत है, कोई अटलांटिक है, कोई है। इंडिया के नाम पे महासागर क्या रख दिए? एकमात्र यही देश है जिसके नाम पे एक महासागर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। और आज जब डायनासोर का समय चलता था ना, तो डायनासोर वगैरह के समय यहाँ बहुत सारा जो था मैग्मा, क्या हुआ? मैग्मा यहाँ से बाहर निकला, धड़ाम धड़ाम ज्वालामुखी निकला। और जब मैग्मा निकलता है उसमें से सोना, तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम, कॉपर निकलता है, तो इस हिंद महासागर में बहुत सारा खदखदा के निकल गया, बहुत सारा। अब ये बताइए, कहीं से अगर कोई चीज़ निकलेगा तो अंदर का एरिया तो पचक जाएगा, तो जब यहाँ से खदखदा के निकला ना, तो यहाँ अंदर का एरिया पचक गया, और जैसे पचका तो ढाल बन गया, और ढाल बना तो पहले भारत यहाँ था, भारत चल गया यहाँ से यहाँ। यानी इसके बीच में बहुत सारी संभावनाएँ हैं कि बहुत सारा इधर क्या मिलेगा? खनिज मिलेगा, और अलग अलग पदार्थ मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। जब मिलेगा तो फिर यहाँ घोटाला किया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, भारत खदान खोजने के इंतजार में होगा? क्या होगा? घोटाला, हिंद महासागर घोटाला। पता चला कोनो पहाड़ मिला तो पहाड़वे निकल गया थोरियम का, यूरेनियम का, सोना चांदी। तो ये सस्ता सस्ता चीज़ है, सोना चांदी मानो कौन सी होता है? नहीं, रेयर अर्थ मेटल मिले, प्लेटिनम मिले, यूरेनियम मिल जाए, बाहर सोना चांदी मतलब कौन सी होता है वो हो? आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपसे कोई कहे सोना मिलना ज़्यादा ठीक है कि यूरेनियम, कोई पूछेगा सोना को? बड़े एक छठी यूरेनियम दे दे, एक ट्रक सोना ले जाए, नहीं समझे? यूरेनियम है, यूरेनियम सब कुछ बहुत जबरदस्त, तो इसमें मेटल मिलने की। अब चीन क्या करता है, सोचता है कि इधर हम घुस के क्या करें, इधर घुस के और भारत से पहले ही ना पता कर ले कहाँ क्या क्या चीज है, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल, कितना नॉटिकल माइल? 200 नॉटिकल मील के बाद हमारा एरिया खत्म हो जाता है, वो जिसको मन उसका हो जाता है, अमूमन उसके पास के एरिया को दे दिया जाता है। तो चाइना अपनी सिप भेज के यहाँ पता कराता है कि कोई खनिज तो नहीं है। अगर कोई खनिज मिल गया, सपोज कि यहाँ मिल गया, तो भारत से पहले ये किसको बता देगा? सोमालिया को। और सोमालिया को कहेगा कि तुम तो निकाल नहीं सकते हो, औकात तो है नहीं, हमारी कंपनी आके निकालेगी। अब इसकी कंपनी कितना निकालेगी, कितना नहीं निकालेगी, पाँच के जैसे बटैया का खेत कैसे होता है, 20 किलो होगा तो बताया जाएगा 4 किलो हुआ है। तो यही, तो इसलिए चाइना, इंडिया और चाइना दोनों इस बात में टसल चलता है। सोचिए हम भारत वाले लोग कब सुने कि हम लोग इधर जाके कुछ तड़ाम भड़ाम किए हैं? इस वजह श्रीलंका चलाता है, क्या होता है श्रीलंका? इंदिरा गांधी रहती ना तो चल जाती ताइवान, बहुत ढीठ थी इंदिरा गांधी, इतना ढीठ कोई नहीं। जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए अमेरिका परमाणु बम मारने के लिए आया होगा, उस प्रधानमंत्री पे कितना प्रेशर होगा आप सोच समझिए, कितना प्रेशर झेला होगा वो प्रधानमंत्री। लेकिन जबरदस्त, अब मानेकशॉ हम लोग के क्या थे, सैम मारमू जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ सेनापति थे, पूरा नाम ही जबरदस्त था उनका, बहुत जबरदस्त था उस टाइम। आगे बढ़े, महासागर समझ में आ रहा है?